अच्छे दिन बैंक यहाँ पर है। इस अच्छे दिन बैंक में लोन ही तो दे दो सरकार कम ब्याज तेल खरीदने के लिए। मतलब अब तेल खरीदने के लिए भी लोगों को लोन देने लगी है बैंक। अच्छे दिन इतने अच्छे आ चुके हैं कि लोगों को रोटी के लिए भी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। गैस सिलेंडर 950 रुपए का हो गया है। एक टाइम आएगा कि बैंक वाले कहेंगे आओ अगर गैस सिलेंडर चाहिए तो 200 रुपए महीने की आसान किस्तें बना देंगे। केजरीवाल खिराज बांट रहे हैं या धर्म की लॉलीपॉप बांट रहे हैं? इन्होंने लोगों का वो हाल कर दिया है कि लोगों के हाथ में एक धर्म की लॉलीपॉप पकड़ा दी है। सुबह शाम लोग लॉलीपॉप चूसते हैं, मोदी बाहर मोदी अंदर, मोदी बाहर मोदी अंदर। जो बचपन से बच्चा जनऊ पहन के बड़ा हुआ है, मंदिर का घंटा बजाता है, शिवलिंग पे जल लेता है, उसको ये बता रही है कि तुम हिंदू हो, ये सोचने की बात है। मोदी जी और केजरीवाल जी रोड डेली खूब खा रहे दूध में ले छे, गरीब भूखा कौन मर रहा है? गरीबों के बच्चे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे सिर्फ रह जाएंगे बनियानों कच्चे। रामदेव की धोती उसी पत्रकार ने खोल दी 4 दिन पहले, आपने देखा ना, वो पत्रकार ने धोती खोल दी कि लाला जी आप तो बोलते रहे 35 रुपए, ओए तू ज्यादा मत बोल। अच्छे दिन की बात भारत में बहुत दिनों से हो रही है। अच्छे दिन के वादे करके, बहुत सारी नीतियों का वादा करके मोदी सरकार 2014 में सरकार में आई और अच्छे दिन की बात करके वो सरकार में आई थी। अच्छे दिन बैंक यहाँ पर है। इस अच्छे दिन बैंक में लोन देने, लोन ही तो दे दो सरकार कम ब्याज तेल खरीदने के लिए। मतलब अब तेल खरीदने के लिए भी लोगों को लोन देने लगी है बैंक। क्या लगता है सरदार जी, अच्छे दिन वाला जो बैंक है क्या क्या करता है, लोगों कैसे मदद करता है? देखिए, इसका एक मैसेज है जनता के बीच में अच्छे दिन के बैंक का, कि आज सरकार ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन इतने अच्छे आ चुके हैं कि लोगों को रोटी के लिए भी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। गैस सिलेंडर 950 रुपए का हो गया है। एक टाइम आएगा कि बैंक वाले कहेंगे आओ अगर गैस सिलेंडर चाहिए तो 200 रुपए महीने की आसान किस्तें बना देंगे। पर आप ये चीज सोचिए कि पेट्रोल, रोटी, गैस सिलेंडर, इन चीजों के लिए भी अगर लोन लेने तक की नौबत आ जाए तो आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। ये जनता को एक मैसेज है, जनता को कनेक्ट करने के लिए, कि आज देश के हालात इस कदर हो चुके हैं कि खाने के दो वक्त की रोटी के लोग पैसे नहीं है, उसके लिए भी लोगों को आसान किस्तों में लोन की जरूरत पड़ेगी। ये मैसेज है। लौटता हूँ आपके पास। क्या लगता है कि महंगाई की मार सिलेंडर 1000 के पार, ये एक एक पैकेट चीनी, हल्दी, इलायची, आलू, टमाटर क्या है ये? अब ऐसे ही राज आ जाएगा, जो लोग 10-10 किलो के आटे के, चावल के, चीनी के पैकेट लेते थे, अब ऐसे छोटे छोटे पैकेटों में लेनी पड़ेगी। समझे जी, जो मोदी जी कहते थे इस देश के अंदर हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, किसी के दिन नहीं है अच्छे। मोदी जी और केजरीवाल जी रोड डेली खूब खा रहे दूध में ले अच्छे, गरीब भूखा कौन मर रहा है? गरीबों के बच्चे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे सिर्फ रह जाएंगे बनियानों कच्चे। यही बस कच्चे और बनियान बचेंगे बस। अब ये 50 ग्राम चीनी और ये 50 ग्राम चना दाल, यही सब चलेगा? हाँ यही चलेगा। इतना इतना लाना पड़ेगा लोगों को। जितने रेट में 10 किलो गेहूं मिलता था उतने रेट में इतना सा गेहूं मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोगों को फ्री में राशन सब कुछ मिल रहा है। 8 रुपए किलो, 8 रुपए का गेहूं मिलता है फ्री में? 8 रुपए का गेहूं फ्री में दे देते हो, 200 रुपए की सीसी खरीदनी पड़ती है तेल की, क्या फ्री मिल रहा है? क्या लगता है सरदार जी, इतने परेशान क्यों है? देखिए ये पैकेटों में लेके सामान घूम रहे हैं। अब यही तो हालात देश के आ गए हैं। आप ये देखिए, देश इतना पीछे जा चुका है। एक जमाना था जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कच्ची कॉलोनियों में 1-1 रुपए के 2 ब्रेड पीस लेके आते थे लोग, खुले रस लेके आते थे। आज वही नौबत दोबारा आ चुकी है कि 5-5 रुपए, 10-10 रुपए की लोग दाल लेके आएंगे और उसमें इतना पानी डाल देंगे कि पानी में डुबो डुबो के रोटियां खाएंगे। और एक टाइम था कि तड़के लगा करते थे लोगों के घरों के अंदर, पकवान बनते थे, आज उबाल उबाल के दालें खाएंगे और उसका लॉजिक क्या देंगे? इससे स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, हमारे लिए मजबूरी हो चुकी है, आज देश की हालात हो चुकी है। अभी कल ही भाजपा ने अपना वो स्थापना दिवस मनाया। भाजपा तो कह रही है कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग भाजपा के साथ हैं और देश आगे बढ़ रहा है, भाजपा आगे बढ़ रही है। क्या गलत कह रही है भाजपा? बिल्कुल लोग उनके साथ हैं। वो लोग कौन है? वो लोग है इलेक्शन कमीशन, वो लोग कौन है? वो लोग है CBI, वो लोग कौन है? वो है ED, जहाँ इनको छापे पड़वाने होते हैं। इनके साथ सब हैं। इनके साथ कौन है? बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी जैसे, और मुट्ठी भर अंधभक्त हैं। अगर असली मायने में आम आदमी कहा जाए तो आम आदमी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के सड़कों पर उतर के बैठा हुआ है, जिसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। आज अच्छे खासे पढ़े लिखे टीचर, आज अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर, आज उनके इतने भांडे बिक चुके हैं कि जिनके क्लिनिक किराए पर थे वो क्लिनिक बर्बाद हो गए, जिनके स्कूल किराए पर थे वो स्कूल बर्बाद हो गए, और वो ई रिक्शा चलाने की नौबत आ चुकी है। आज ये देश के हालात हो चुके हैं। अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन किसी के नहीं आए। अच्छे दिन सिर्फ आए हैं अडानी के, अच्छे दिन आए हैं अंबानी के, अच्छे दिन आए हैं मीडिया के, अच्छे दिन आए हैं अंधभक्तों के, जिनको नफरत फैलाने का मौका मिल गया। अच्छे दिन आम आदमी के नहीं आए। आम आदमी के लिए अगर कुछ आया तो वो बर्बादी के दिन आए हैं, नफरत के दिन आए हैं, और कुछ नहीं आया।
यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे दिन का बैंक लगा हुआ है और यहाँ पर तेल के लिए भी लोन देने की बात की जा रही है। ये तेल भी अब लोन पर आएगा क्या? हाँ जी, तेल भी लोन पर आएगा क्या? तेल लोन पर आएगा, मैं आपको बताता रहा हूँ, थोड़े दिन आ जाएंगे कि लोग हर चीज के लिए लोन लेंगे, बैंकों के दरवाजे खड़े होंगे, 200 रुपए दे दो 200 रुपए, बैंक अब उबा लेंगे, क्यों? हमें तेल लेके आना है, हमें बच्चों के लिए आटा लेके आना है, हमें राशन लेकर आना है। आज लोग गुरुद्वारों के बाहर लाइन लगाएंगे, मंदिरों के बाहर, जिन मंदिरों के अंदर ये हिंदुओं को, यार एक बात बताओ, क्या लोग पहले हिंदू नहीं थे? जो बचपन से बच्चा जनऊ पहन के बड़ा हुआ है, मंदिर का घंटा बजाता है, शिवलिंग पे जल लेता है, उसको ये बता रही है कि तुम हिंदू हो? ये सोचने की बात है, मतलब एक हिंदू को हिंदू बताने के लिए सरकार का इंतजाम किया गया, एक प्रोपोगेंडा तहत किया गया कि तू हिंदू है। मतलब बचपन से वो माथे पे टीका लगा के स्कूल जाता रहा, पर उसको बीजेपी ने बताया कि भाई तू हिंदू है, और तेरा काम ये नहीं है मंदिर मंदिर जाने का, तेरा काम है नफरत फैलाने का, तेरा काम है राम राम मत बोलो, जय श्री राम बोलो, हाथ में तलवारें रहो और आतंक फैलाओ सड़कों पर उतर करके। ये हमारे देश का माहौल बन चुका है, उसके खिलाफ हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। आज सिर्फ देश महंगाई से परेशान नहीं है, आज देश नफरत से परेशान है, आज देश कर्जों से परेशान है। देश के ऊपर 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने मात्र 7 साल में चढ़ा दिया, आज वो कर्जा चढ़ाने के लिए क्या होगा? लोन लिए जा रहे हैं, आज उसके लिए हम जैसे बंदों की जेब काटी जा रही है। अगर आज आप ब्याज पे पैसा लोगे तो ब्याज तो भरोगे, तो ऐसे विदेशों को ब्याज भरने के लिए हम लोगों की जेब काटी जा रही है, हम लोगों को लूटा जा रहा है, जो देश की जनता को निकल गया, ये है चौकीदार हमारे देश का। कहते हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो श्रीलंका में हालात हैं उससे पूरे हालात हमारे होने वाले हैं, वो भी धर्म पे चले, उनका ये हाल हुआ, हम भी धर्म पे चल रहे हैं। आप याद रखिए, जो देश खैरात से और धर्म से चलता है वो बहुत जल्द बर्बादी के दरवाजे पे खड़ा होता है। केजरीवाल खैरात बांट रहे हैं, ये धर्म की लॉलीपॉप बांट रहे हैं। इन्होंने लोगों का वो हाल कर दिया है कि लोगों के हाथ में एक धर्म की लॉलीपॉप पकड़ा दी है, सुबह शाम लोग लॉलीपॉप चूसते हैं, मोदी बाहर मोदी अंदर, मोदी बाहर मोदी अंदर, ये वो हाल बना दिया देश का। और केजरीवाल ने जो खैरात बांटी है, उस खैरात का असर है कि हमारी DTC लगातार घाटे में चल रही है, हमारा जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। जिस समय शीला दीक्षित जी इनको गद्दी देकर के गई थी दिल्ली सरकार को, उस समय हमारी दिल्ली जल बोर्ड 55 लाख करोड़ के फायदे में थी, 55,000 करोड़ रुपए का फायदा था। किसका फायदा था? दिल्ली जल बोर्ड का। और आज वही जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में जा चुका है। ये है केजरीवाल सरकार और ये है मोदी सरकार, जिन्होंने देश को कर्जों में डुबो दिया। पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो अमिताभ बच्चन का ट्वीट आता था, रामदेव का ट्वीट आता था, बाबा रामदेव का, अब तो कुछ दिखते नहीं है। रामदेव की धोती उसी पत्रकार ने खोल दी 4 दिन पहले, आपने देखा ना, वो पत्रकार ने धोती खोल दी कि लाला जी आप तो बोलते रहे 35 रुपए, ओए तू ज्यादा मत बोल। मुझे तो लगता है उस पत्रकार का बाद में बहुत बड़े इंतजाम किया होगा, वो मुझे नहीं लगता घर भी पहुंचा होगा, किसी अस्पताल में पता करो कहीं पड़ा होगा वो, क्योंकि वो एक माफियाओं से पंगा लेकर के आया है, आज ये माफिया है। अच्छे दिन को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है, कांग्रेस का यहाँ पर प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, लोग अच्छे दिन के यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा अच्छे दिन वो पुराने वाले दिन अच्छे थे, ये वाले अच्छे दिन हमारा अच्छा नहीं है। नमस्कार।